सो हे व्हाट्सअप व्यूअर्स, तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज की इस वीडियो में मैं अगेन तुम सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू हिमलैंड की हिडन डिटेल्स। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि हिमलैंड की न्यू वीडियो आ चुकी है। अभी 2-3 घंटे पहले इस मट्टी में भैया ने अपने हिमलैंड की एक और न्यू वीडियो डाल दी है। अगर तुम लोगों ने अभी तक जाके नहीं देखी है तो जाओ अभी के अभी देख लो और उनकी वीडियो को लाइक भी कराना। और अगर तुमने उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाओ और करके आओ। और अगर तुमने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाओ और कर दो, बिकॉज गाइस चैनल पे बहुत जल्द होने वाले हैं 2K सब्सक्राइबर्स और यहाँ पर ऐसी अमेजिंग वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी रेगुलर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो सबसे पहले हिडन डिटेल के लिए सबसे पहले तुम सब ये वाली क्लिप देखो। रखा था ब्रो, मैं बच गया। तू मुझे एक बात बता, मुझे तुझसे जानना है पूरा का पूरा। मुझे बता एक बारी कि तू वहां से कैसे एस्केप करके गया ब्रो, मुझे जानना है तुझसे। ऑल राइट गाइस, तो प्रोफेसर साहब से मैंने बात करी। सो गाइस इस क्लिप में ये हिडन डिटेल है कि अगर तुमने क्लिप को ध्यान से देखा होगा तो जब वो जो प्रोफेसर था स्मार्टवे भैया को जब खाने के लिए पोको चॉक दे रहा था, तब स्मार्टवे भैया के पास टोटल 10 थे और उसके बाद मतलब उन्होंने एक खा लिया जिसके बाद उनके पास बचे 9 और उसके बाद उनका हंगर बार वगैरह सब फुल हो चुका था, जिसके बाद एक कट सीन आता है बीच में जिसके बाद अगर वापस से वीडियो शुरू हो रही थी तो स्मार्टवे भैया के पास 8 पोको चॉक थे। अब एक पोको चॉक कहाँ गया वो वीडियो के बीच में नहीं आया। आई थिंक हो सकता है कि वो कहीं मतलब जब वहां पर कटसीन आया तब उन्होंने खाया हो। अब तुम्हें क्या लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो सेकंड हिडन डिटेल के सबसे पहले तुम सब ये वाली क्लिप देखो। बनाते थोड़ी बहुत ओके, और अब यहाँ पे खोदना स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड गाइस, मैं ना अगर यहाँ पर टनल खोदता रह जाऊंगा तो मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, मेरे को वापस जाना पड़ेगा पीछे एक बारी। भाई यहाँ पे इसने धमाके किए हुए हैं, ये आसपास हो सकता है यहाँ पे कहीं पे। सो गाइस अगर तुमने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो तुम देखोगे स्मार्टवे भैया के पास टोटल 9 मैग्मा ब्लॉक्स थे इन्वेंट्री में, और जैसे स्मार्टवे भैया की वीडियो थोड़ी आगे जाती है तभी उनके पास इन्वेंट्री में वो 9 मैग्मा ब्लॉक्स जो थे वो अपने आप कम होकर 5 रह जाते हैं। अब बाकी के 4 कहाँ गए ये तो मेरे को भी नहीं पता, मेरे हिसाब से तो कोई शायद माइनक्राफ्ट का ग्लिच हुआ होगा जिसकी वजह से वो जो 5 मैग्मा ब्लॉक बच्चे थे। तो तुम्हें क्या लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ तुम सभी को नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।